हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत में आपका होश शहज़ाद हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज ट्यूसडे है और सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और सूरज अल्हम्दुलिल्लाह से तुलू हो चुका है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा बो आ रही है, तो चीज़ पता नहीं मरी हुई है साइड पे। नाज़रीन, मुझे वीडियो बनाने के लिए सिर्फ सुबह का टाइम मिलता है और सुबह के बाद फिर मैं इतना बिज़ी हो जाता हूँ कि फिर मुझे शाम तक टाइम नहीं मिलता। तो इस वक्त भी मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से टाइम निकाल के इधर आया हूँ अभी आपके जो है ना। असल में ना, सुबह सुबह एक गाय का और एक भैंस का वो दूध निकालना मेरी ज़िम्मेदारी होती है, तो वैसे भी टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। तो अभी मैं भैंस का दूध निकाल के अब उसे मैंने बोला बुझाना आप गाय का दूध निकाल ले, बट मैं तरह ना वॉक कर रहा हूँ थोड़ी सी, मुझे वॉकिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा होता आजकल। तो ये वॉकिंग के दौरान ही मुझे टाइम मिल रहा होता है, तो आप भी सोच रहे होते होंगे कि एक ही रास्ता है और एक ही सीन होता है मोस्टली। लेकिन बात दरअसल ये है, असल में टाइम ही इस वक्त मिलता है और इससे पहले जो है वो अब इसके बाद बिजी हो जाना है। तो नाज़रीन, देहात में रहने का जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा वो ये है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हर चीज़ हमें फ़्रेश मिल रही होती है, दूध भी फ्रेश अल्हम्दुलिल्लाह और खालस, और सब्ज़ी भी। ये देखें, यहाँ जो था ना वो पड़े हुए खीरे यहाँ से लोड करते हैं गाड़ी में, और ये लगे हुए खीरे। जब भी कोई सब्ज़ी मोस्ट जो खेतों में होती है, इधर से लेके इधर से पका लेते हैं, मतलब बाज़ार से लानी नहीं पड़ती। आलू भी अल्हम्दुलिल्लाह काश्त कर लेते हैं, प्याज भी इधर से ही, मिर्चें भी पिछले दिनों में, अब तो बहुत महंगी हैं लेकिन यहाँ से दो जितनी ज़रूरत तोड़ ली, इस्तेमाल कर ली काफ़ी। तो बहरहाल लिहाज, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो शहर है ना वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं देहात की नस्बत, यहाँ बस खुली फ़ज़ा आब हवा, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्ट का आने जाने का सबसे बड़ा मसला होता है। देखें नाज़रीन, आपको खीरे दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह, ये देखिएगा खीरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। देखें इधर भी, चलो आपको बड़ी गंदा है, इसको धोना पड़ेगा, यहीं रख देते हैं, अभी तोड़ेंगे वो ले जाएंगे साथ। ये ना इसके ऊपर कवर करने के लिए टिशू डाला था गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, अब ये टिशू जो है वो ख़राब हो चुका है। वैसे एक दफ़ा ही काफ़ी ज़्यादा जो है ना पैसा इन्वेस्ट किया था सब्ज़ी के ऊपर, तो उसके बाद जो है वो अब उसको एक्सपायर हो चुका है। आज जिस रास्ते पे मैं आया हूँ, यहाँ तकरीबन मैं आया था जब मुंजी काश्त होने वाली थी, या गर्मियों में लगाया था चक्कर मैंने, गर्मियों के बाद आज पहली दफ़ा फिर इधर आ रहा हूँ। मतलब कि ये फसल लगने वाली थी, इसकी लाभ बीजी हुई थी, तब मैंने इधर चक्कर लगाया था। असल में वॉक करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा टाइम मिलता है आजकल, सुबह जल्दी उठता हूँ तो, लेकिन फिर भी जो है ना आजकल बाहर रात को निकलने को दिल नहीं करता चूँकि कीड़े मकोड़े का बहुत डर होता है। बहरहाल यहाँ से इस खेत में आलू काश्त होना है, आलू काश्त बल्कि होना ही था तो बारिश लग गई जिस वजह से काफ़ी लेट हो गया काम। ले नाज़रीन, यहाँ से हम होते हैं वापस और चलते हैं फिर घर की तरफ, और सुबह सुबह का जो है सीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपको विज़िट करवा दें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह जो है ठंडा ठंडा मौसम है और
हर तरफ ठंडी ठंडी जो है, हवा भी नहीं है फिर भी ठंडक सी फील हो रही है। नाज़रीन ये सुपर की मुंजी है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फल आ चुका है, इसमें पानी लास्ट दे दिया गया है। अब इसमें जो है ना वो फल आने के बाद इसको अब अगले नवंबर में इसकी कटाई शुरू हो जानी है। अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं और अब मैं वापस वापसी के बाद मैंने जाते ही फ्रेश होना है पहले, तो फ्रेश होने के बाद चेंज करना है, चेंज करने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगा इंशाल्लाह। नाश्ता करने के फौरन बाद मैंने फिर रवाना होना है अपनी ड्यूटी के लिए अपने, उसके बाद वहाँ से फिर मैंने इंशाल्लाह ताला जब वापसी आएंगे फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है नाज़रीन, अभी से देखें लेबर आना शुरू हो गई है, दूरी करनी है, जिन्होंने इसकी तोड़ाई करनी है वो लोग आना शुरू हो गए हैं। वो उन्होंने हाथ में बाल्टी पकड़ी हुई है और वो जो है ना अब इसकी तोड़ाई करेंगे। पौधे काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं इस दफ़ा ये देखें, लेकिन इसमें जो है ना अभी फल इतना ख़ास नहीं है जितना आना चाहिए। जो पौधे जो ख़राब हो जाते हैं जिनमें फल नहीं आता, तो उसको यूँ बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो उनमें भी उतनी ज़्यादा खाद और स्प्रे लगती है, लिहाजा उसको उखाड़ के बाहर फेंक देते हैं। तो इसमें से माशाल्लाह से 3 या 4 तोड़ाई हो भी चुकी हैं और दूसरे जो लोग हैं वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरफ खीरा, इसकी माशाल्लाह 3-4 तोड़ाई हो चुकी हैं। ये देखें जी, लोग माशाल्लाह आना शुरू हो गए हैं। खीरा खिलाते हैं हमें, ये देखें ये धो के खाते हैं, मतलब कैसा लगता है। नाज़रीन सुबह सुबह खीरा खाने का या गन्ने चूपने का एक ज़बरदस्त टेस्ट होता है। सुबह सुबह ठंडा ठंडा खीरा है, ठंडे पानी से धोया है, इसी तरह जो होता ना गन्ना, सुबह गन्ना चूसने का ज़बरदस्त टेस्ट होता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो नाज़रीन मैंने ना सबसे पहले जिस कैमरे से वीडियो बनाने की थी ना शुरू, उसकी स्क्रीन भी टूटी हुई थी पहले, और मैंने इसलिए उसमें पता नहीं 1 माह बाद एक वीडियो बनती थी छोटी सी, वो भी ना चाहते हुए। लेकिन मैंने अब तकरीबन 1 माह से इस पे काम करना शुरू किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, आपका बहुत शुक्रिया। तो फिर भी अगर आप नए हैं, सबसे पहले तो हमें हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का प्रेस वाला बटन है, इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये जो रोज़ का 1 सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाता है ना, मुझे उससे ही बहुत ज़्यादा बड़ा मैं इनकर्ज होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, और फिर मेरा मज़ीद वीडियोस बनाने को भी दिल करता है। तो अभी तो मेरा कंटेंट ऐसे ही है, फजूली आपको लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो बहुत बड़ा है। तो ये तो आपको पता है शुरुआत में मुश्किलात ऐसी होती हैं, लेकिन बाद में जो है इंशाल्लाह ताला, अभी एक तो टाइम की बड़ी किल्लत है मेरे पास, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, दूसरा अभी कंटेंट में भी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, वो कंटेंट जो है वो भी अभी प्रॉपर नहीं है। खैर चलो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह इज़्ज़त देगा, ज़रूर देगा इंशाल्लाह, मेरी अल्लाह से बड़ी
उम्मीद है और अल्लाह ताला नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया इस वॉकिंग के थ्रू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं अभी अब तकरीबन 7:05 हो गए हैं, मैं अब जाने लगा हूँ घर। मिलते हैं। ये जो स्कूल है ये 1995 में ओपन हुआ था और डस्का के एक एमपी थे चौधरी सदाकत अली, उन्होंने बनवाया था। और 1998 में मैंने इधर एक क्लास पढ़ी थी, वो चौथी क्लास उसको कहते, मतलब चौथ क्लास बोर्ड में इधर पढ़ी थी चौथी क्लास। तो यहाँ से फिर मुझे पता चलता है कि मैंने तीसरी क्लास कब पढ़ी, दूसरी कब पढ़ी, ये क्लास मुझे अच्छी तरीके से याद है। और यहाँ बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। लेकिन अभी बहुत देर हो गई इस बात। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना